दिव्यांग मुलांनाही समाजात वावरण्याचा आपापल्या पायावर उभं राहण्याचा अधिकार आहे. देवाने जरी त्यांना या अवस्थेत पाठवलं असलं तरी देखील आयुष्याकडे पाहताना दृष्टिकोन हा कोणत्याही प्रेरणादायी असावा असं असतं. कारण कोणाकडे एकतरी असा चांगला गुण असतो त्या जोरावर समाजात प्रेरणादायी ठरू शकतो. ह्याच प्रेरणादायी प्रवास ETC म्हणजे अपंग शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून केला जातोय. रविवारी जागतिक ऑटिझम दिनाचं औचित्य साधत ETC केंद्रात विशेष मुलांनी आपल्या पालकांसह येथे हजेरी लावली. विशेष मुलांकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलावा यासाठी जनजागृतीपर कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. 2 अप्रैल ये वर्ल्ड ऑटिझम अवेयरनेस डे है, तो पूरे दुनिया में मनाया जाता है कि ऑटिझम क्या है इसका प्रचार करने के लिए, क्योंकि 68 में से एक बच्चे को ऑटिज़म होता है. मतलब समझो आप पूरी भारत का लोकसंख्या ले वे तो उसमें एक बम्बई भर ऑटिज़म से ग्रस्त लोग हैं, लेकिन फिर भी ये इसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है. तो हमारी फोरम फॉर ऑटिज़म ये पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो 20 सालों से ऊपर काम करती आ रही है इस क्षेत्र में, और हम हर साल ऐसे अवेयरनेस लाने के लिए कि ये ऑटिज़म चीज़ है क्या, इनको इसको हम हिंदी में स्वमग्नता कहते हैं कि जो ऑटिज़म से ऑटिस्टिक व्यक्ति होती है वो खुद में रहना ज़्यादा पसंद करती है, उन्हें दूसरों के साथ बात करने में थोड़ी कठिनाई होती है और दूसरों के विचार भी समझने में कभी कभी कठिनाई हो सकती है. कुछ लोग बोल नहीं पाते लेकिन वही लोग कंप्यूटर पे टाइप करके या लिख के बहुत अच्छे लिख सकते हैं. ऑटिस्टिक व्यक्तियों में मतिमन से लेके साइंटिस्ट तक आपको मिलेंगे, यानी IQ का और ऑटिज़म का संबंध नहीं है, ये एक सोशो कम्युनिकेटिव प्रॉब्लम है. और मैं खास करके कहना चाहूँगा कि हमारी पेरेंट संगठना है लेकिन हम ये दिन मना रहे हैं, तो ऐसा आपको कोई यहाँ मिलेगा नहीं जो रो रहा है पेरेंट की अरे मेरे बच्चे को डिसेबिलिटी है मैं क्या करूँ. हम मना रहे हैं, हम गर्व से फख्र से कह रहे हैं कि हम ऑटिस्टिक बच्चों के माँ बाप हैं और हम इनके साथ हैं, साथ रहेंगे हमेशा के लिए. ये मेनली अवेयरनेस कैंपेन है. हम लोग सबको बताना चाहते हैं कि ऑटिज़म एक डिसऑर्डर है. अपने बच्चे जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, अपने इतने सारे बच्चे हैं ऑटिज़म का, उनके राइट्स के लिए, उनको ये सोसाइटी में जगह देने के लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम उसके लिए ही बनाया गया है. नहीं, गिल्टी एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर बच्चे के लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे. और हम लोग अगर बच्चे को शुरुआत से थेरेपी वगैरह सब कुछ देते हैं तो बच्चे को हम लोग आगे लेके भी जा सकते हैं, उधर ही ख़त्म नहीं है, ये शुरुआत है. वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश राठौर सह पंकज बेनवंशी यांचा रिपोर्ट.